क्या स्केट बोर्ड का होमवर्क था ऑरेंज था। अच्छा तो कर लेते, 1 घंटे बाद कर लेते, पर 1 घंटे पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। समेशन आर इक्वल टू 1 से n, और एन आर इक्वल टू, हाँ इसका फॉर्मूला क्या था बताओ, एन इंटू इंटू एन प्लस वन बाय टू, ठीक है। फिर दूसरा था समेशन आर इक्वल टू 1 आर इक्वल टू एन आर स्क्वायर, क्या था बताओ, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय टू, क्या बाय सिक्स, बाय सिक्स है आर इक्वल टू 1 से आर इक्वल टू एन, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूले थे आपको, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो आप मेरे एक सिंपल सा काम करो, फिलहाल सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल दूंगा अभी। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल 10 बताओ कितना होगा? 55. 10 into 11 by 2 है ना, which will be how much? 55. दूसरा 1 square plus 2 square plus 3 square up till 10 square बताओ कितना होगा? 10 इस वाले फॉर्मूले में आओ, 10 into 11 21 by 6 है ना, कितना आ रहा है बताओ, सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है, 1155 इतना याद थोड़ी ना आएगा, 385 आएगा, 385 वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब अप टिल 10 क्यूब बताओ कितना आएगा, 55 स्क्वायर, 10 इंटू 11 ध्यान देना, 10 इंटू 11 बाई 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 55 स्क्वायर है ना, ठीक है। कितना होता है 55 स्क्वायर, 3025, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, ये बात समझ में आती है, डायरेक्ट फॉर डायरेक्ट फॉर डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ में आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला डाल रहा हूँ ना मैं, इतना क्लियर है? यस यस, बहुत आवाज बहुत ज्यादा तेज आ रही है तुम्हें, एक मिनट को अब बोलो तो, यस सर, अभी बहुत तेज आ रही है, ठीक है, सबको क्लियर है क्या इतना, ठीक है, यस चलो कॉपी करते रहना साथ 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 थोड़ा थोड़ा कॉपी करते रहो, थोड़ा थोड़ा कॉपी कर लिए। हेलो, पूरा कर लिया, ठीक है, सबने कॉपी कर लिया, एक मिनट सर, एक कॉपी कर लिया, हाँ सर, चलो तो अब मैं तुमको तुम्हारे कॉमन सेंस का क्वेश्चन देता हूं, लेट्स सी कितना आपने 3 महीने में सीखा है मेरे से, बताओ इसका आंसर कितना होगा,
तुम आंसर, तुम मुझे अप्रोच बताओ, तुम्हारे मन में क्या अप्रोच चल रही है? पहला तुम्हारी क्या मन की अप्रोच चल रही है? सर पहले सारे और इन टीचर्स को एक साथ, सारे और को एक साथ ले लेंगे और सारे इवेंट को एक साथ ले लेंगे। उससे क्या होगा सर? कुछ ऐसा ऐसा करना पड़ेगा कि कट जाए बहुत सारे टर्म्स। नहीं 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 नहीं, तुम लोग को, तुम सुनो, मैं 3 महीने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किस एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी पे देता हूँ? सर a plus b into a minus b, बस बस 1 plus 2 into 1 minus 2, फिर 3 plus 4 into 3 minus। देखो IIT जो है ना वो ऐसे क्वेश्चन बनाने से होता है, मैं तुमको 2 साल में जो भी पढ़ाऊंगा वो बात ध्यान रखना, वो वही पढ़ाऊंगा जो सिलेबस जो IIT में नहीं आ सकता है, बिकॉज IIT मुझसे अगला ही क्वेश्चन पूछेगी तुमसे। मैं तुमको कंसेप्ट सिखा सकता हूँ, एक बात ध्यान रखना, मैथ्स की सारी क्लास का शुरू का 2 लेक्चर जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे और क्वेश्चन एक्सपोज होगे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। IIT में क्वेश्चन आपका बेसिक कंसेप्ट पे ही आएगा, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे, ये चीज ध्यान से मार्क रखो हमेशा। ये बताओ 9² - 10² 9 - 10 × 9+ IIT वाले कोई दुनिया बाहर क्वेश्चन नहीं लाते हैं, बच्चों को सिलेक्शन में दिक्कत इसलिए होती है बिकॉज सब लोग बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मटेरियल्स बनाने का ट्राई करते हैं। जब हम लोग IIT पढ़ते थे 70-80 क्वेश्चन बनाते थे हर टॉपिक में, यार हो गया, समझ गए समझ गए, ये थोड़ी ना यही क्वेश्चन 10 बार बनाएंगे, लेकिन जब बनाते थे तो अच्छे से बनाते थे। ठीक है, बताओ क्या फायदा हुआ करने का? -1 बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, फिर एक समेशन बनेगा, एक सीरीज बनेगा, और वो सीरीज तो बिल्कुल चिंदी सीरीज है ना, ये तो बिल्कुल निहायत ही घटिया सीरीज है ना। क्या सीरीज है बताओ? 10 × 11/2। बात समझ में आई क्या? जो मैं बेसिक बेसिक आपको एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी सिखा रहा हूं ना, उसको पकड़े रखो, उसको मत छोड़ो। 9-10 आपका स्ट्रांग बहुत होना चाहिए, एल्जेब्रिकल चीजें दिखनी चाहिए। इतना क्लियर है क्या? यस सर। और गलती करने की हिम्मत होनी चाहिए। तुम लोग से जानते हो मिस्टेक क्या होती है, स्पेशली बॉम्बे के किड से, तुम लोग ना मिस्टेक करना नहीं चाहते, तुम लोग सोचते हो ना पहली बार में सही कर दें, इसलिए सीख नहीं पाते हो। मिस्टेक करना सीखो, क्वेश्चन को ना ऐसे बनाओ कि ऐसे बना के देखते हैं ना क्या होगा, अरे ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नहीं बनेगा, और क्या हो सकता है। बट तुम सोचते हो नहीं नहीं ऐसा मेथड खोजे कि एकदम मजा आ जाए, मजा जब बंदा खोजने लगता है ना क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आ जाती है। क्वेश्चन बनाओ पहले तो कैसे भी बनाओ उसको, और फिर सोचो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? कैसे सॉल्व किया मैंने? Yes, sir. का ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो। Yes. मैंने पिछले पेज में क्या लिखा था अभी? हाँ, वो नॉर्मल सब। हाँ ठीक है, तो अब ध्यान दो, सुनो अभी ना कुछ चीज ध्यान से समझो। ठीक है, मुझे बताओ समेशन एफ आर, इतना ज्यादा भी बेसिक नहीं बताना चाहिए, मतलब आई थिंक बच्चों इतना स्मार्ट होते हैं सोचने वाले। अच्छा ये बताओ समेशन एफ ए एफ आर प्लस जी आर को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? तो समेशन एफ आर प्लस जी आर को सोच के बताओ क्या लिख सकते हैं, बोलो। आर इक्वल टू 1 से आर इक्वल टू एन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल सोच के बताना। ठीक है, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इतना बताओ। लिख सकते हैं सर। मन में चलाओ, मन में चलाओ, मन में चलाओ कि सर ने क्या लिखा है, समेशन किसका करने का है, एफ वन प्लस जी वन, एफ टू प्लस जी टू, यही है ना, और वापस से ये चमकता है क्या? चमका सर। मुझे बताओ क्या मेरा ये लिखना गलत है, एफ आर
माइनस जी आर, बिल्कुल सोच के बताना, कोई प्रेशर नहीं है, मन में चलाओ, कॉपीज में लिख के देखो अपने कि सर गलत तो नहीं लिख रहे, हो सकता है मैं गलत लिख रहा हूँ, मैं परेशान करने के लिए, सोचते रहो, क्वेश्चन मी, क्वेश्चन माई स्टेप्स, ये सही है गलत है? सही है सर, सही है सर। ये बताओ तो एफ आर इंटू जी आर, ये लिखना सही है कि पाप कर दिया मैंने? गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, पाप है ना ये तो? यस सर गलत है ना? yes, पाप है ना, गलत नहीं है, पाप है, पाप है। क्या निकालना था? एफ ऑफ वन जी ऑफ वन, एफ ऑफ टू प्लस जी ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री प्लस जी एफ ऑफ थ्री इंटू जी ऑफ थ्री, ऐसा ही था। इसको ऐसे कौन सा मूर्ख लिखने को सिखाता है? ये तो साफ साफ गलत है ना बेटा, है ना? यस सर। ठीक है, चौथा, समेशन आर इक्वल टू वन एन एफ आर बाई जी आर को ऐसे लिखना बताओ। बोलो गलत है सही है? गलत है सर, गलत है सर। वापस से पाप किया ना मैंने? हाँ सर पाप किया है। ठीक है, तो मतलब जो सिग्मा सिंबल है, अच्छा एक और चीज छूट गई, अच्छा वन टू थ्री फोर लिख दिया ना, चलो जीरो लिख दो, जीरो। ठीक है, समेशन के इंटू एफ आर आर इक्वल टू वन से आर इक्वल टू एन, बताओ तो भैया क्या होगा? के बाहर ले सकते हैं, समेशन एफ ऑफ आर के बाहर ले सकते हैं ना? yes. आपको जो जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको बॉक्स याद है ना? सोचो जाना क्या होगा, के इंटू एफ वन प्लस के इंटू एफ टू, सब में से के बाहर आ जाएगा ना बेटा? yes. कॉपी करिए, मैं टाइम दे रहा हूँ, कॉपी करिए। मैं नोट शेयर नहीं करूंगा, कॉपी करिए। बिकॉज मैंने ये पाया तीन चार महीने में कि शेयरिंग इज नॉट केयरिंग बच्चों के साथ, फिर आप लोग आलस हो जाते हो, तो अभी से मैं नोट शेयर नहीं करूंगा, आप कॉपी करो, मैं टाइम दूंगा। सर वो के कांस्टेंट है इसलिए वो बाहर आया ना? यस। कोई वेरिएबल होता तो भी तो बाहर आ सकता था। वेरिएबल मतलब बेटा? जैसे एक्स या वाई वगैरह जेड। एक्स वेरिएबल है, ये किसने बोला? एक्स भी कांस्टेंट है? नहीं मतलब उस क्वेश्चन में अगर है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बेटा अगर वो आर पे डिपेंडेंट नहीं है तो बाहर आ सकता है, आर पे डिपेंडेंट है तो बाहर नहीं आएगा, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे के हो, है ना? अगर आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, डिपेंड नहीं कर रहा है तो आएगा ना? सॉरी 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 सॉरी, आर इक्वल डिपेंड नहीं कर रहा है तो बाहर आएगा। ठीक है,
अगर डिपेंड करता, मान लो वहां पे r इंटू एफ ऑफ r लिखा होता, ठीक है, क्या लिखा होता, r इंटू एफ ऑफ r, r इंटू एफ ऑफ r, तो हम लोग उसको बाहर नहीं निकाल पाते। अच्छा तुम लोगों ने वो वीडियो देखा क्या, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, वो लॉन टेनिस वाला, न्यूटन्स लॉ का जो इनर्सी वाला वीडियो देखा क्या, कि मतलब इस पे टेनिस के रैकेट पे बॉल लगी, रैकेट नीचे गया और जो धूल लगी थी, धूल वहीं पे एक सेकंड, एक बहुत थोड़े टाइम के लिए रुक गया था, जो न्यूटन्स लॉ है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। देखा किसी ने वीडियो, देखा कि नहीं देखा? देखा है सर, बहुत मस्त वीडियो है, भेजता हूँ खोज के, बहुत ज्यादा मस्त है। मतलब ऐसा है ना कि बहुत ही बोरिंग वीडियो है, बट मैं लूप में लगा के देखते रहा 2-3 मिनट तक, तो काफी अच्छा वीडियो है। हो गया सर। तो ठीक है ना, सबको समझ में आया ना, मैं अच्छा ये बताओ फिर, चलो अब सोच के ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सोच के चलो आंसर निकालो। सॉल्व करो,
आपको करना आ रहा है कि मैं करके दिखाऊं कीर्ति? यस सर। हो रहा है करके दिखाऊं? आवाज नहीं आ रही, कोई और बोलो। हो रहा है करके दिखाना है, बोलो। हो रहा है, हो रहा है सर, हो रहा है। आंसर तो निकाल ही लेना और ना फिर ना समेशन सिंबल ओपन करके भी देखना कि सीरीज क्या बन रही है। सर लॉजिक नहीं निकालना है ना, मैनुअली निकालना? नहीं बेटा, फॉर्म नहीं बेटा, फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला लगा के। अच्छा, मैनुअली ऐड नहीं करना है बेटा? हाँ सर, हाँ सर। आपको मन में लगाना है, फॉर्म सोचना है कि अच्छा इस सीरीज का मतलब क्या है, क्या सीरीज है, ठीक है? हाँ सर।
हो गया सर। हाँ वेट करो सर, कौन है तो हो गया है क्या? करूं मैं? करें चलो सर लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर हो गया। विदुषी हो गया बेटा? नहीं सर, मुझे लग रहा है मैंने ना गलत अप्रोच किया, लेकिन मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन गया। क्या किया तुमने बताइए? वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसमें पहले आर को बाहर निकाला तो आर इंटू आर प्लस वन बना। ठीक है बेटा। उसके बाद फिर आर की वैल्यू मैंने डाली तो वो वैसे बनता है 1 × 2 + 2 × 3 + 1। नहीं बेटा, वैसे जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना। तो पूरी बात तो सुनिए, मैं समझ गया तुम। उसके बाद फिर मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर वो वैसा बन जाएगा कि फर्स्ट वाला टर्म एक नंबर का समय, फिर दूसरा वाला 2 नंबर का। फिर वैसे मुझे पता चल गया कि 10 है तो 10 बार 1 आएगा, 9 बार 2 आएगा, फिर वो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ मिलते हैं, तो फिर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो थोड़ा कम एडिशन लगा, लेकिन फिर हो गया। तुम सीधा क्यों नहीं कर सकते हैं? समेशन r इक्वल, ध्यान से समझो, r स्क्वायर प्लस r, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? समेशन r इक्वल टू 1 से 10 r स्क्वायर प्लस समेशन r इक्वल टू 1 से 10। यहाँ तक क्लियर है? सर। अभी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 10, 11, 21/6 प्लस 10 × 11/2 कितना आ गया? 385 प्लस 55 कितना है आंसर? 440। और भी करने के 3-4 तरीके हैं, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि ये जो समेशन सिंबल का एप्लीकेशन है, अपन जब ये सीखेंगे तो अपन और अच्छे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तुम जो अप्रोच कह रही हो, फिर अगले वाले क्वेश्चन में फंस जाओगी ना, इसमें आर क्यूब दिया है। हाँ। है ना, एक बार इस क्वेश्चन का मतलब तो सब लोग समझो पहले, सॉल्व बाद में करो, पहले मतलब सबको समझ में आया था? क्या लिखा था निकालने को बताओ तो? 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस
क्या लिखा था? 2 square plus 2, बोलो क्या लिखा था? 10 square plus 10, चमकता है? तो क्या लिखा हुआ है बताओ? 1 square plus 2 square up till, बोलो भाई, 10 square plus 1 plus 2 plus 10. हाँ, तो यही तो आपको सिखाया था मैंने अभी, समेशन सिंबल है ना, समझे? yes, क्या yes. तो दूसरे वाले में क्या आंसर आएगा बताओ? 2 into summation r square 1 से 7 plus summation r cube 1 से 7, कितना आंसर आ गया बताओ? 2 into 1064 आ रहा है पूरा ना, इसका आंसर कितना आया? इसका 280 और इसका 784. बाकी लोग जोड़ सकते हैं। अभी थर्ड में आते हैं सर, 2 times summation r square का पूरा 280 आया। अच्छा, चलो थर्ड क्वेश्चन में बताओ कैसे करें। वो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं r into r plus 2, r square into 2r है ना, 1 से 10 क्या बन जाएगा बताओ? समेशन r square plus 2 समेशन r, 1 से 10 और 1 से 10 कितना हो जाएगा वैल्यू? वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 385 plus 110 385 plus 2 into 55 है ना। थर्ड को फोर्थ क्वेश्चन बताइए, मल्टीप्लाई करेंगे ना पहले, समिशन आर क्यूब प्लस समिशन आर क्यूब वन से लेके 10 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r है ना, समिशन आर क्यूब 1 से 10 प्लस 3 समिशन आर स्क्वायर 1 से 10 प्लस 2 समेशन r 1 से 10 है ना। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इस वाले की? निकाला है ना, तो बताओ। 25 कितना बेटा? 3025 सर। 3025 ना, हाँ सर, प्लस 3 into 385 प्लस 2 into 55। लास्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा बताओ? आर क्यूब माइनस 5 माइनस स्क्वायर स्क्वायर प्लस 6 आर, समझे? बताओ क्या होगा सर? 3025 आर क्यूब माइनस 5 समेशन 5 आर स्क्वायर। आंसर से नहीं मतलब है मुझे, तुमको समझ में नहीं आया अभी तक, मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है? 3025 माइनस 5 इंटू 385 प्लस 6 इंटू 55, ठीक है? नाउ द डेस्क इज ओपन फॉर डिस्कशन, इफ एनीबडी हैज डाउट, जो भी सॉल्व किया है पूछो, आई विल एक्सप्लेन अगेन, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट्स वी कैन डिस्कस। सर आपने क्या कैसे क्यों कब कैसे कर दिए, बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ऐसे अभी मैं स्क्रीन को जूम आउट जूम इन कर रहा हूँ, तुम लोग को इफेक्ट पड़ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। ओह, तो अभी तुम लोग क्या आंसर पढ़ा जो आपने अभी जूम पढ़ा देखा? हाँ, लेकिन बाकी पूरा दिख रहा है कि बस थोड़ा ही पोर्शन दिख रहा है स्क्रीन का? थोड़ा ही। सारे क्वेश्चन नहीं दिख रहे ना? नहीं सर। हाँ ठीक है, नॉर्मल स्क्रीन कर देते हैं। चलो हाँ बोलो, कोई डाउट पूछा था बोलो। कोई कुछ बोल रहा था? कोई कुछ बोल रहा था ना, बोलो। नहीं, नहीं, नहीं सर, मुझे क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ढंग से दिख नहीं रहा था, आपने ज़ूम इन किया तो दिख गया तो। अच्छा सर, मुझे डाउट है। बोलो भाई। सर आपने जैसे सही सम अंदर का जो टोटल टर्म होता है वो सम में बटा होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट में हुआ तो कुछ वे नहीं है क्या इसको रिड्यूस करने के लिए?
ना बेटा मल्टीप्लाई कर दिए ना, हो गया। और r इनटू r प्लस वन, हाँ क्या दो टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई किया था फिर क्रॉस कर दिया था सब, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया था क्रॉस कर दिया था मतलब, मतलब कट कर दिया था आपने पहले जब, हाँ तो बताया था ना गलत है वो। हाँ सर, और कुछ उसको उसको रिड्यूस करने का तरीका ही नहीं है क्या? नहीं बेटा। ओके सर, हाँ हो रहा है चार्ज, ठीक है। किसी और कुछ डाउट से पूछिए, बोलिए। सभी को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं अच्छे से? यस सर। कोई मैसेज कुछ भेजा है क्या? ठीक है चलो। चैट बॉक्स यार अभी मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूं, ठीक है, तो जो है बोला करो आप लोग। चलिए, सबको इतना क्लियर है क्या अच्छे से? विदुषी क्लियर है बेटा? हाँ सर, हाँ सर क्लियर। सर आप ये क्वेश्चन दे रहे हैं? हाँ बेटा। चलो पहले ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करो फिर आगे बढ़ते हैं। सर वो 1 2 3 डॉट 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 चली गई सर लास्ट में। सर वो एन है या इंफिनिटी है या 100 क्या है? क्या लिखा हुआ है देखो, दिख रहा है? एन है। हाँ सर दिख गया।
सर आपने वो सेकंड क्वेश्चन का लास्ट लाइन क्या लिखा है? सेकंड क्वेश्चन का कि थर्ड क्वेश्चन का? अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ, फाइंड द टी एन इफ ईच ब्रैकेट इज वन टर्म. फाइंड टी एन इफ ईच ब्रैकेट इज वन टर्म. ऑल्सो फाइंड एस हंड्रेड. एस हंड्रेड मतलब हंड्रेड, हाँ बोलो, हंड्रेड ब्रैकेट के सम ऑफ हंड्रेड टर्म. हाँ ठीक है, तो पहला हो गया, पहले दो हो गए, जीरो हो गया, जीरो जीरो और वन हो गया, तीसरा ब्रैकेट जीरो के, जीरो और फर्स्ट. तो क्या आ गया अपने पास, समेशन r इक्वल टू 2 से r इक्वल टू 10 r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, समेशन r इक्वल टू 2 से 10 r स्क्वायर प्लस समेशन r r इक्वल टू 2 से 10 प्लस समेशन 1 r इक्वल टू 2 से 10. तो क्या होगा बोलो इसका आंसर, इसका आंसर कितना आएगा बोलो, 384. ठीक है, एक माइनस हो गया ना, इसका कितना आएगा 54. हाँ, और इसका कितना आएगा 9. दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, मतलब पहले क्वेश्चन में आते हैं, तो क्या हो जाएगा r माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1, ये चमकता है, तो क्या बच गया आपका r माइनस 1. आपको अब सम किसका निकालना है, r इक्वल टू 1 से 10 का r माइनस 1 का सम निकालना है. बताओ कितना आएगा आंसर, हेलो 45 आएगा कि 46 आएगा, 45 आएगा. ठीक है, क्या लिखा, एक्चुअल में लिखा क्या हुआ, सब लोग एक्सपैंड कर सकते हो ना मन में, थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड भी कर लो. आर को 1 डालोगे तो क्या बनेगा, ये 1. आर को 2 डालोगे क्या बनेगा, 2. आर को 10 डालोगे क्या बनेगा, 9. इसका आंसर क्या आ जाएगा बोलो, 45. ये क्लियर है क्या? यस सर. यस. आप चाहो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूले और लॉजिक दोनों का मिक्स करना आईआईटी के लिए बहुत जरूरी होता है. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन बताओ बोलो इसका टीएन बताओ. हाँ टीएन किसी एक का ना माइक खराब है सर. हाँ टीएन लास्ट ब्रैकेट होगा ना आइटम लास्ट का, अगर एक ब्रैकेट ब्रैकेट तो एन इनटू एन प्लस वन बाय टू. हाँ एन इनटू एन प्लस वन बाय टू, ये आ गया आपका टीएन. ठीक है, अब मुझे बताओ S 100 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ 100 ब्रैकेट्स. तो उसको ऐसे लिख दूं मैं, समेशन टी आर आर इक्वल टू 1 से आर इक्वल टू 100. अगर सब लोग एग्री नहीं करते हैं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा इसके, यहां तक सब लोग एग्री करते हैं? यस सर. यस सर. सब लोग सोच लो अच्छे से कि सर सम 100 का मतलब क्या होगा, टी 1 प्लस टी 2 प्लस टी 3 प्लस टी 4 अप टिल टी 100. क्या सभी लोगों को ये चीज क्लियर है? यस यस. सब लोग अच्छे से मन में सोच लो, सम 100 का मतलब क्या होता है बेटा, समेशन r इक्वल टू 1 से 100 टी आर, मतलब टी 1 प्लस टी 2 प्लस टी 3 डॉट 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 कहां तक, टी 100 तक. इतना सबको क्लियर है क्या? यस सर. यस सर. ठीक है, तो अब टी आर की वैल्यू क्या होगी बताओ सर, एन बाय टू इंटू गधे. टी आर की वैल्यू क्या होगी, टी आर ना बेटा, टी एन है ना, एन इंटू वन प्लस वन बाय टू, तो टी आर क्या होगा, आर इंटू आर प्लस वन बाय टू, आर इंटू आर प्लस वन बाय टू. ठीक है, जो क्या हो जाएगा बोलो, अभी क्या लिखा हुआ है, हाफ बाहर आ जाएगा,
क्या लिखा है, 1 से 100 आर स्क्वायर प्लस आर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई टू समेशन आर इक्वल टू 1 से 100 आर स्क्वायर प्लस, लेट्स बी वेरी क्लियर, वी आर स्टडिंग अ गुड टॉपिक विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई सिलेबस, सो प्लीज ट्राई टू कंसंट्रेट, एंड जो भी डाउट है बिल्कुल सिंपल चीज बताऊंगा मैं, टफ चीज नहीं बता रहा आपको, जो डाउट है आप पूछो मैं बताऊंगा बार बार, कॉपी करिए और नहीं समझ में आता है पूछिए मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर शायद से कोई तो वेटिंग रूम में, वेटिंग रूम तो मैं एक्टिवेट ही नहीं करता हूं तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं श्रुति बोल रही है, अच्छा श्रुति यहाँ पे थोड़ी ना है, वो तो एपीसी टू की बच्ची है। सब लोग को अच्छे से क्लियर है क्या सेकंड वाला क्वेश्चन? यस सर। आपको समझा ना? यस सर। बोलो। नहीं सर समझा, वही बोल। हो गया सर। हो गया है? क्या सर? कोई कॉपी कर रहा है क्या अभी तक? हेलो नहीं सर, हो गया। हो गया, हो गया ना। चलो थोड़ा सा लेवल अच्छा करें क्वेश्चन का अब। यस सर। चलो टफ नहीं करूंगा, ठीक है, बस सोचना, बस ये ध्यान रखो कि सम एस टेन का मतलब क्या होगा। सम ऑफ टेन टर्म्स, सम ऑफ टेन टर्म्स मतलब समेशन टी आर आर इक्वल टू वन से आर इक्वल टू टेन। तो पहले तुमको क्या चाहिए होगा, पहले तुमको टी आर निकालना होगा, ये बात समझ में आती है? Yes, sir. तो कोई भी सीरीज, ये सीरीज निकालने का एक अमूल्य मंत्र है कि किसी भी सीरीज के सम के पहले उसका nth
टर्म निकालना सीखो, ठीक है? तो आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस एंड आई एक्सपेक्ट कि बन जाएगा तुमसे। आप बस टारगेट करना ध्यान से कि सर ने क्या दिया है। फालतू में खुद को कंफ्यूज करोगे ना तो दिक्कत आ जाएगी। पढ़ना जरूरी होता है लेकिन पढ़ के सोचना और जरूरी होता है। सर वो क्या लिखा है? क्या बे? सर वो लास्ट में एकदम 20 terms 20 20। तुम लोग मोबाइल पे पढ़ते हो क्या? नहीं सर, लैपटॉप पे, टैब पे, मोबाइल। एक लैपटॉप ले लो यार, चलते कब आंखें बहुत खराब हो जाएंगी। लैपटॉप ले लो पॉसिबल हो तो। सर उससे भी तो खराब होती है। कम होगी बेटा, मोबाइल का स्क्रीन ज्यादा नुकसानदायक होता है और छोटा स्क्रीन होता है ना, तो थोड़ा सा मतलब आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है एरिया में। मजा आता है बेटा, मजा तो आएगा तुमको। अभी जो चश्मा लग जाएगा ना मेरी तरह -12 का तब मजा आता है। और ठीक है चलो, ये दो क्वेश्चन है, बिल्कुल तमीज से सोच के सॉल्व करो। सर सब में ढूंढना क्या है? ढूंढना क्या है भाई? बीच में प्लस साइन तेरे को नहीं दिख रहा? सॉरी सर, हैं? नहीं सर।
सर जो पहला वाला क्वेश्चन आपने दिया है उसमें अरिथमेटिक सम का भी फॉर्मूला लगेगा ना? अरिथमेटिक सम मतलब बेटा? ओ एस एन इक्वल टू एन बाय टू, अगर वो टी एन का मिल गया तो? नहीं टी एन, आप पहले टी एन तो निकालो। आपको अच्छा ही बताओ ये बताओ, आप नहीं समझे नहीं तुम, नहीं तुम कंफ्यूज कर गए तुम लोग। मुझे ये बताओ यहाँ पे आर एथ टर्म, यहाँ पे पहले तुम एनएथ टर्म निकालो, बताओ एनएथ टर्म क्या होगा बोलो। सर वो सी वाले क्वेश्चन में नाइन नहीं है क्या? फोर भी नहीं है, वन भी नहीं है। सर एनएथ टर्म समीशन एन इक्वल वन से एन इक्वल ट्वेंटी आर स्क्वायर बाय समीशन एन इक्वल वन से एन इक्वल ट्वेंटी आर। ठीक है, अभी वन से लेके एन स्क्वायर का सम क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। बात को समझो, हर टी एन पे एपी का फॉर्मूला नहीं लगता है, और इसका सम क्या होगा सोचो एक बार, क्या बोल रहे हो? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो ये और ये कट गया और ये कितना आ गया थ्री। तो तुम्हारे पास टी एन कितना आ गया बोलो? एन प्लस वन बाई थ्री। ओके okay. अब मुझे बताओ तुम्हें निकालना क्या है? एसएन, एसएन निकालना, एस पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है? एसएन निकालना है कि एस ट्वेंटी निकालना है? एसएन, एन इज इक्वल टू 1 टू 20, एस 20 निकालना, एस 20, एस 20 क्या होगा बोलो? टी एन, एन इज इक्वल टू 1 से एन इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 से 20 तो 2n प्लस 1 बाई 3, इतना क्लियर है? क्या आएगा वैल्यू? समेशन 1 से 20 2 इंटू एन, अभी तो निकाल लोगी ना? आंसर 440 बाई 3 है, निकाल ले, देख लेना क्या आएगा इसका। 2 बाहर आ जाएगा, n का 20 से कितना है 2 बाहर निकाल लेंगे, और 20 इंटू 21 बाई 2 तो 10, 110, 110 प्लस 20 कितना बोल रहे हो तुम? 440 बाई 3। 440 तो नहीं आ रहा है, 240 आ रहा है मेरा। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 20 इंटू 11 है ना, 20 इंटू 21 बाई 2 10, सॉरी। हाँ ठीक है, समझे? Yes, sir. Second question में बताओ तो nth term क्या होगा? Sigma r cube by r, फिर इसमें r r cube के sum का formula डाल देंगे, फिर denominator भी वैसे करेंगे। r 1 से लेके n तक है ना, कितना आ जाएगा n into n plus 1 by 2 का square इंटू एन प्लस वन बाई टू। चमक रहा है ना सभी को? तो वैल्यू कितनी आ गई बताओ? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू आ गया है ना, विच इज हाउ मच? एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। अभी क्या निकालना है इस केस में? एस टेन, एस फिफ्टीन, एस ट्वेंटी, क्या निकालना है? एस फिफ्टीन, एस फिफ्टीन क्या होगा बोलो? एक से पंद्रह, हेलो, एस से पंद्रह टी एन है ना। अरे चमक रहा है ना? यस सर। क्या हो जाएगा टी एन का? एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू समेशन वन से पंद्रह। ठीक है, क्या होगा वैल्यू? समेशन एन स्क्वायर, ध्यान से सोचना ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ, और समेशन एन कर लोगे ना अभी इसके आगे के एंड तक करें क्या? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर। बाकी लोग बच्चा, सब लोग, सबको क्लियर है बच्चा? यस सर। विदुषी हो गया, कॉपी, विदुषी हो गया था बेटा पहला, दूसरा? हाँ सर, थर्ड वाला नहीं। थर्ड वाला सोच, थर्ड वाला मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सॉल्व सोचो, सोचो कॉमन सेंस लगाओ, थर्ड वाला मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सोचो। हाँ बोलो, टाइम नहीं है। हाँ टाइम दो, 10 मिनट दिया, वन नहीं है। आईआईटी जाने के लिए क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं होता है, आईटी बनाने के लिए क्वेश्चन सोचना जरूरी होता है। सोचो, वन नहीं है, फोर नहीं है, नाइन नहीं है, सिक्सटीन नहीं है, सोचो।
सर वो थर्ड में वो क्या गोला गोला वो काट दिया ना सर? कहाँ गोला गोला है बे? सर काला काला आपने ऐसे क्या है? अरे कट गया भाई, क्वालिटी का मारा था मैंने वीडियो में। सर 14 आता है, सॉरी हाँ बोलो क्या बोल रहे हो सर? इसमें से सारे स्क्वायर वाले टर्म्स गायब है। हाँ स्क्वायर वाले टर्म्स गायब। तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि सर सोच रहे हैं हो जाएगा, ऐसा लग रहा है हो जाएगा। सोचो सोचो सोचो, आंसर नहीं पता है मुझे। सेकंड कितना? 186 186 कैसे हो सकता है? 214 डज होल्ड सर स्ट्रॉन्ग चांस। हाँ सर 214 मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक बार सोचो सब लोग। अच्छा एक चीज सुनो। यस सर। सुन रहे हो? यस सर। सर सुन रहे हैं। हाँ अच्छा मान लो मैंने 1 से लेके 200 तक नंबर लिख दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 200 तक, ठीक है? तो अभी 200 वा टर्म कौन क्या का वैल्यू कितना है? 200 है, ठीक है? अभी सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हटा दो तो कितने नंबर बच गए बेटा? 200 तक 14 नंबर्स हट गए। तो अभी 186 नंबर बचे हैं ना, तो 186 टर्म की वैल्यू कितनी है बेटा? 200 है, ठीक है? आपको कौन सा टर्म चाहिए बेटा? 200 आपको 200 टर्म चाहिए, ठीक है? तो आपने 200 लिखा हुआ है और 200 कौन सा टर्म है? टर्म 186 है ना, तो उसके बाद आपको 14 और टर्म चाहिए तो 49 तो 214 आएगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है क्या? आपको दिख रहा है क्या? यस सर। आपको आपके सामने दिख रहा है क्या वो अपने? हाँ सर दिख। देखो मैं क्या कहा, मैं ये बोला कि 1, 2, 3 से लेके 4 से लेके अपन ने 200 तक लिख दिया, ठीक है? और सारे परफेक्ट स्क्वायर्स को स्ट्राइक आउट कर दिया, फाइन। तो सारे परफेक्ट स्क्वायर्स को स्ट्राइक आउट किया तो अभी जो 200 है वो कौन सा टर्म रहा? टर्म 186 रहा, क्योंकि 14 परफेक्ट स्क्वायर हटा दिए है ना। आपको कौन सा टर्म चाहिए? 200 टर्म चाहिए। आपको कौन सा टर्म चाहिए? 200 टर्म चाहिए। ये क्लियर है क्या? समझ रहे हो?
तो आपको 200 टर्म चाहिए, फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 201, 202, ऐसे लिखते लिखते 214 पहुंचोगे, तभी ना ये टी क्या बन जाएगा, 200। ये क्लियर है क्या? यस यस सर, क्लियर है आपको? क्लियर है अच्छे से? यस सर। सर लिख रहे हैं तो सर एक बार बैक ले सकते हैं? बिग बैक, हाँ शायद शायद ले सकता हूँ मैं। यस, मैं लास्ट क्लास में सीखा था ये चीज। एक मिनट रुक जाओ, आई थिंक अंडू कर दीजिए ना सर टास्क। नहीं ना, वो मैंने स्क्रीन शेयर करता हूँ, लाइव शेयरिंग करता हूँ। हाँ फंस गया मैं, अरे यार सर। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वैसे और क्वेश्चन करते हैं? वही तो, वैसा और क्वेश्चन क्यों करना है ये बताओ मुझे बस। वो क्वेश्चन में मजा आया तो वैसा वैसा, सेम टू सेम नहीं, वैसा लॉजिक, सेम लॉजिक नहीं है, समझे? लेवल के क्वेश्चन दीजिए। क्या बोल रहे बे? उस लेवल के क्वेश्चंस। घटिया लेवल है, कोई लेवल नहीं था। लेवल रुको रुको, पहले पहले दो मिनट रुक जाओ भाई, ये मैं नॉर्मली नहीं कर पा रहा हूँ। एक काम करो, यहाँ तुमको अभी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। हाँ तो कॉपी कर लो यहीं से चुपचाप। कॉपी कर लिए? दो मिनट सर। सर जैसा आप अभी पेज शो कर रहे हैं ना, वैसे ज्यादा बेटर दिखता है वो पहले वाले। बट यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा ना मैं, लाइव शेयरिंग में वैसे आ जाती है। चलो
अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज। इसमें क्या होता है, ईच टर्म कंसिस्ट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। सारे नोट्स है पॉइंट सर, आप ही पॉइंट्स लिखा रहे हैं? हाँ, जो भी बोर्ड पे लिखा आता है कॉपी करना होता है। ईच टर्म कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स सच दैट वन पार्ट इन ईच टर्म फॉर्म्स एपी, अदर पार्ट फॉर्म्स जीपी। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ के बाद क्या लिखा है फर्स्ट लाइन? कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। सर वो पैक लग रहा है, तुम्हारी आँख खराब है। ठीक है, चलो एस मतलब मैं ऐसी सीरीज कह रहा हूं, देखो ध्यान दो, वन टू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर फोर एक्स क्यूब, ये एजीपी सीरीज है। समझ में आ रहा है क्यों एजीपी है? कोएफिशिएंट्स एपी में है और वो एक्स एक्स। हाँ, ये जो पार्ट है ये किसमें है? एपी में है। जो मैंने बोला कि हर टर्म जो है दो टर्म का है, सच दैट एक टर्म, सच दैट वन पार्ट इन ईच टर्म फॉर्म्स एपी, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या बना रहा है बेटा? जीपी। और यहां पे वन के साथ क्या देख रहे हैं आप? एक्स की पावर जीरो, तो एक्स की पावर जीरो से एक्स पे आए, एक्स से कहां गए? एक्स से कहां गए? बट एक्स से कहां गए? एक्स स्क्वायर पे। एक्स स्क्वायर से कहां गए? एक्स क्यूब। ये बात समझ में आती है? तो yes. देखो ऐसा मान लो ये सीरीज का सम लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, वन फाइव एक्स स्क्वायर नाइन एक्स की पावर फोर प्लस थर्टीन एक्स की पावर टेन। बताओ ये एजीपी है कि नहीं है? है सर। क्यों एजीपी है? कोएफिशिएंट्स एपी में है और एक्स स्क्वायर वो कॉमन रेशियो है वेरिएबल। और ये जो टर्म्स हैं वो तुम्हारे किस में है? जीपी में है। ये बात चमक रही है क्या? यस सर, समझूंगा। ये देखो एस इज इक्वल टू वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू स्क्वायर प्लस फाइव बाई टू क्यूब सेवन बाई टू पावर फोर। बोलो ये किस में है? एजीपी है वापस से? यस सर। कैसे yes. देखो वन थ्री फाइव सेवन ये सब किस में है? एपी में है ना। और वन बाई टू, वन बाई टू स्क्वायर, वन बाई टू क्यूब ये किस में है? जीपी में। जीपी में। तो एजीपी क्या होती है? एक ऐसी सीरीज जिसमें दो टर्म होते हैं, में एक टर्म जो होता है, एक पार्ट जो होता है हर टर्म का, वो किस में होता है? वो एपी में होता है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो किस में होता है? जीपी। जीपी में होता है। सेकंड वाला तो नहीं हुआ ना, क्योंकि वो थर्टीन एक्स की पावर टेन हो गया। सॉरी सॉरी, ठीक है, एक्स स्क्वायर मैंने गलती लिखा था। सबको क्लियर है क्या? अच्छे से ये बताओ, फाइव बाई टेन, फाइव स्क्वायर बाई ट्वेंटी, फाइव क्यूब बाई थर्टी, ये है क्या एजीपी में? है सर। कैसे है?
सर वो न्यूमरेटर्स जीपी में है नहीं है वो नीचे वाला एचपी जैसा हो गया ना तुम ये वन तुम इसको तुम 1/10 देखोगे ना अच्छा हाँ इसको तुम 1/20 देखोगे ना यस ये 1/30 देखोगे ये नहीं है ना ये एजीपी में नहीं है ये बात समझ में आती है क्या समझा सर चलो कॉपी करो फिर वो एचपी में हो गया ना अब एचपी में हो गया नहीं एचपी कुछ भी नहीं होता है ठीक है सर मुझे वो लास्ट वाला नहीं समझा एक और बार समझाइए ना सर हाँ बोलो बोलो क्या समझना बोलो लास्ट वाला 1/10 अरे एजीपी क्या बोल रहा हूं मैं हर टर्म दो टर्म का प्रोडक्ट है जिसमें एक पार्ट जो है वो एपी में है दूसरा पार्ट जो है वो जीपी में है तो क्या यहाँ पर 1/10 1/20 1/30 एपी में है नहीं तो एजीपी कैसे होगा एवरी टर्म में दो पार्ट होंगे हर टर्म में दो पार्ट होगा सच दैट हर टर्म का एक पार्ट जो होगा ना वो एपी में चलेगा जो दूसरा पार्ट होगा वो तुम्हारा जीपी में चलेगा इट इज एज सिंपल एज दैट नहीं समझी अभी भी हाँ समझा तो फिर वो एचपी हुआ ना 1/10 होने दो ना एचपी अपने को क्या जाता है अपने को क्या को सोचने का जो चीज अपने को काम की नहीं है अपने को अपना काम नहीं है नहीं जीपी नहीं ये तो नहीं है खत्म बात आप तो ये समझो ना एजीपी क्या होती है ओके सर कॉपी कर लिया क्या सभी लोगों ने हाँ सर किया हाँ सर हाँ सर तो भाई देखो ऐसा है कि एजीपी का भी सम निकालना पड़ेगा ठीक है अब तो फाइंड सम ऑफ एजीपी अब देखो एक मैं तुमको बेसिक चीज बता रहा हूं नोट वेन एवर यू रिकॉग्नाइज टर्म्स टू बी इन जीपी यूज दी अरे यूज दी बेसिक डेरिवेशन यू यूज्ड टू फाइंड सम ऑफ जीपी मतलब मैं ये कह रहा हूं बेटा तो ध्यान दो देखो बहुत सारी सीरीज ऐसी आई अच्छा जीपी का सम कैसे निकाला था डेरिवेशन याद है आपको हाँ सर वो कैसे ए एन टर्म तक निकाला था फिर नीचे भी वही किया था फिर शिफ्ट कर दिया था नहीं 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 बस शिफ्ट थोड़ा ना किया था कुछ करके शिफ्ट किया था ना साइड माइनस आर से मल्टीप्लाई किया था ठीक है अब देखो एजीपी में क्या हो गया कुछ नहीं हुआ ना एजीपी में क्या हो गया बताओ हर टर्म को एवरी टर्म हैज बीन हैज अ फैक्टर ऑफ एपी रहन दो ना तुमको जीपी दिख गई ना तो तुम तो अपने काम पे लग जाओ कोई भी सीरीज कैसी भी सीरीज हो उसके हर टर्म में
अगर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि जीपी को फॉलो कर रहा है, फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट अप्लाई द बेसिक्स ऑफ जीपी डेरिवेशन. तुमको चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तुम ये सोचो कि मैं कैसे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ये मत सोचो कि क्या कह रहा हूं. कैसे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं? जिन क्वेश्चंस के टर्म्स में एक फैक्टर होगा, हर टर्म में कुछ कुछ फैक्टर होंगे जो कैसे बन जा रहे होंगे, जो जीपी में चले जा रहे होंगे. तो तुमको क्या करना है, हमेशा क्या फॉलो करना है? जीपी वाला मेथड सम निकालने का. ठीक है, अभी जीपी वाला जो मेथड था सम निकालने का, वो क्या था बोलो? आई एम गोइंग टू आस्क एवरीबडी, जीपी वाला जो सम निकालने का मेथड था वो बताइए क्या था, क्या था बोलो? मेथड लिखा ए ए आर ए आर स्क्वायर, और उसके बाद जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे ना. तो बताओ यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर भी वही करेंगे. यहाँ पे जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? एक्स. तो आप एक्स एक्स कर दो. ठीक है, और सेकेंड सीरीज को फर्स्ट सीरीज से माइनस कर दो. उस माइनस के लिए तरीका ये रखते हैं कि एक टर्म शिफ्ट कर दिए, वन क्या बन जाएगा? एक्स. टू एक्स क्या बन जाएगा? 2x square. 3x square क्या बन चुका होगा बेटा? 3x cube. मुझे बताओ 11x की पावर 10 क्या बन चुका होगा? 11x की पावर 11. और यहाँ पे नीचे में क्या आया होगा? ये आया होगा ना 10x की पावर 9 है ना? 10x की पावर 10 बन जाए. 10x की पावर 10. ठीक है, अभी दोनों को माइनस कर दें. क्या आया बताओ? वन प्लस, बोलो क्या आया? टू एक्स माइनस एक्स एक्स. थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कितना आया? एक्स स्क्वायर. फिर यहाँ पे कितना आएगा बोलो? एक्स क्यूब. हाँ, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब. ऐसे चलते 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 रास्ते यहाँ मिलेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 11x की पावर 11. क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर. बिल्कुल सिंपल सी बात है. अब ये क्या, ये सीरीज आपको रिकॉग्नाइज हो रही है? सीरीज कभी पढ़ा है? ये क्या सीरीज है? जीपी. जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर एन माइनस वन कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे? एक्स है. एक्स. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 11. ये क्लियर है क्या? यस सर. अच्छे से सोच लो, समझ लो. सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है? सभी को क्लियर है अच्छे से? यस सर. कॉपी करो पहले इसको, फिर मैं एक और सॉल्व करता हूं. जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है. ध्यान, जो ऊपर चार लाइन लिखी है ना मैंने, वही तुमको आईआईटी में हेल्प करेगी. जीपी दिखेगा, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते चलो करते चलो. एक बार, दो बार, कई बार करना पड़ेगा और सॉल्व हो जाएगा. हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, बोलो सर. इसका जनरल फॉर्मूला एन कहाँ से? जनरल फॉर्मूला कोई एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा. कोई फॉर्मूला थोड़ी याद करेंगे, कोई क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन में तो हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे. कोई फॉर्मूला थोड़ी नहीं इसका. ठीक है सर. ठीक है, होता है, महानुभव लोगों ने बना रखा है फॉर्मूला, बट वो तभी वैलिड करेगा जब एक टर्म की एपी हो. मैं तीन टर्म की एपी दूंगा फिर क्या करोगे? ठीक है, तो हम उसमें चक्करों में नहीं आते. फॉर्मूले चक्कर में पढ़ता नहीं हूं मैं. पढ़ाई बिल्कुल सिंपल क्लियर.
शीट बनाओ क्या बेटा? किसने दिया है फॉर्मूला? है मतलब अरे जो होती है ना छोटे वो बुक्स वगैरह सब अरिहंत वगैरह की उन सब फॉर्मूले से भरी पड़ी रहती है। कोई अच्छी बुक में अच्छी बुक जो होती है ना ये जब चैप्टर को तीन तीन पेज में खत्म करती है। हॉलनेट देखोगे चार पेज में चैप्टर खत्म। अब पढ़ने जाओगे बाकी अरिहंत वगैरह से भाई साहब पेपर चल रहा है 150-200 पेज का चैप्टर भाई क्या बना दोगे तुम इस सीक्वेंस सीरीज में? कुछ है ही नहीं है। और तुम कितने भी क्वेश्चन कर लो आईआईटी वाले जो वो सारे बुक्स लेके बैठते हैं अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर है ये क्वेश्चन यहाँ पे है तो ये सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो फायदा क्या है ऐसे क्वेश्चन करने का? सबने कॉपी कर लिया क्या? हाँ किया सर। रुको सर। करो करो करो। कॉपी कर लिया तो बता देना। हो गया सर। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग अटेम्प्ट करेंगे खुद से कि मैं ही सॉल्व करूँ? बोलिए। नहीं सर करेंगे। अरे अटेम्प्ट करेंगे खुद। जरा करिए ना अटेम्प्ट प्लीज। चलो सॉल्व करो।
हो गया सर। सर एक मिनट रुको। हो गया सर। हो गया सर। हाँ तो बोला था ना किसने रुकी है अभी, किसने बोला था? पहला क्वेश्चन उठता है टेंथ टर्म क्या है सीरीज का, बताओ पहले। 37 वाई रेज़ टू पावर 18। यस। तो टर्म 10 कितना बोल रहे हो आप लोग? 37 वाई रेज़ टू पावर 18। Y raise to power 18। सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? सच एकदम। अबे भाई इतना भी सच थोड़ी बोलते हैं, भारत में रहते हो। 9y power 4 plus 37y की power 18, ठीक है। और अभी क्या करना चाहिए? कॉमन रेशियो क्या है जीपी का बताओ तो? तो अभी क्या करें अपन, क्या खेलेंगे? शिफ्ट करेंगे फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, शिफ्ट करें, समझ रहे हो ना? शिफ्टिंग कोई बड़ी बात नहीं है, कोई जादू नहीं कर रहे हैं अपन, चमक रहा है ना, बस माइनस करने के लिए आसानी हो इसलिए कर रहे हैं। ये बात चमक रही सभी को ना? शिफ्ट करने से कुछ नहीं हो रहा है, कोई जादू नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? ये बात ध्यान रखना, वो बस लिखने में आसानी हो इसलिए किया जाता है शिफ्ट, ठीक है? याद है तुमको जब मैं ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहा था जून के आसपास, और जब एंगल्स का समेशन सिखा रहा था तुम लोगों को, याद है एक दो क्वेश्चन मैंने वैसे किया था, अगल बगल लेके काटा था, और बाद में धीरे धीरे फिर वर्टिकली लिख के कट करने लगा, बस लिखने में आसानी की वजह से। अब बोलो क्या होगा? यहाँ पे 4y स्क्वायर आ जाएगा, फिर वाई पावर 4 में भी 4 आ गया है ना, और लास्ट में ये कहां तक आएगा? वाई पावर 18। यस। क्या सभी को इतना क्लियर है? यस। ठीक है, अब ऐसा है 1 + 4y² + y power 4 + y power 18 - 37y power 20 1 - y² × s। तो ये सीरीज का सम कितना है बताओ? y² × y^9 - 1/y² × 1 - कॉमन रेशियो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 9 है, by 1 - y² × 4 1 plus। ये देखने में आपको काफी गंदा लग रहा होगा, सर ये क्या चल रहा है, ठीक है चिंता मत करो, ये ऐसा ही होता है। अभी ये आ गया आपका सम का वैल्यू, क्या सभी को क्लियर है क्या सम का वैल्यू? हाँ सर लिख रहे हैं। हाँ भैया लिख लीजिए, लिख रहे हैं, बना नहीं क्या, बनना की था ना बेटा? हाँ सर। सर थोड़ा अच्छा दिखने के लिए 1 और 37 वाले को कंबाइन कर दीजिए ना, ठीक है अच्छा दिखेगा। चलो रे बाबा जल्दी कॉपी करो।
ठीक है। इफ अब देखो, इफ कॉमन रेशियो लेस देन वन है एंड इनफाइनाइट टर्म्स हैं एजीपी में, एंड इनफाइनाइट टर्म्स इन एजीपी, तो क्या होगा? कुछ नया हो जाएगा क्या? नहीं ना, जो करते आए वही रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब मान लो ये क्वेश्चन है 1 + 3x, पहले सिंपल लेते हैं ना, एस इज इक्वल टू 1 + 2x + 3x² डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, और दिया हुआ है कि x जो है 1 से छोटा है। क्या चेंज हो जाएगा इसमें और पिछले क्वेश्चन में? सॉल्विंग मेथड में चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। वापस से कॉमन रेशियो क्या है, जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? x x, तो वही करोगे जो करते आए हो। ये 2x यहाँ पे आ जाएगा, 2x², ये बात चमकती है, और इनफिनाइट है ना, कोई अंतर नहीं पड़ता। दो तीन टर्म यहाँ पे, आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ तो? 3x³ बन जाएगा। बनने दो, अभी सब्ट्रैक्ट कर दो, बोलो क्या होता है? 1 - x, 1 + बोलो x + x² + बोलो x³ + अब टिल कहां तक? इन्फिनिटी तक। क्या यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अरे हेलो बाबा, क्लियर है क्या? अभी आपको ये जीपी दिख रही है क्या? इनफिनाइट जीपी, कॉमन रेशियो कैसा है? 1 से छोटा है ना। क्या होता है आंसर? a बाई 1 - x निकल गया। आपका s का आंसर कितना आ गया? 1 - x² ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए मेरे लिए। आप इधर ये सॉल्व करें, खत्म करते हैं बात क्लास। सर्कल में एक्स में मॉड्यूलस साइन है। हाँ बेटा, अपन जब बोलते हैं ना कॉमन रेशियो लेस देन वन, इसका मतलब होता है कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, इसलिए मैंने मॉड्यूलस डाल दिया है। लाल सर, ये एजीपी है? हाँ हाँ, कौन नहीं है क्या? 1 और 3 के बीच में 2 डिफरेंस है। सॉरी सॉरी, मैं ध्यान ही नहीं दिया, 5 है। मैं 9/3 का रेशियो सोचा था और ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, और जब इनफिनाइट रहता है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा फटाक से आंसर आता है। फर्स्ट टर्म एक्स 1 - कॉमन रेशियो, हो गया सर।
कितना आया आंसर? एक्स एस मल्टीप्लाई किया क्या होगा, एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कर दो, कितना आ रहा है बताओ, वन माइनस एक्स एस, अरे बोलोगे वन प्लस किसी का तो माइक ऐसा है ना, जब वो बोलता है ना लगता है कि मतलब एलियंस बोल रहे हैं, ठीक है, प्लीज माइक ठीक करा लो यार। एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब क्या हो जाएगा बताओ, ए बाई वन माइनस आर, तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस का वैल्यू इतना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हम ले लेंगे तो वन प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया आंसर। सही किया मैंने, ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ बोलो सर, अगर एक वाई का टर्म भी डाल दिया तो वो भी जीपी में कहाँ डालेगा वाई का टर्म, एक्स मतलब वो अभी एक्स वेरिएबल है ना, उसके साथ एक वाई वेरिएबल भी डाल दिया तो डाल ले, तो क्या अंतर पड़ता है, तुम वो वेरिएबल और कांस्टेंट में क्यों फंसे हुए हो, डाल ले, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ये बता। जीपी और एपी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जी, बस खत्म बात ना, चाहे जो हो कुछ भी हो अपन को कोई, आई वी डोंट केयर एंड वी शुड नॉट केयर, जो बताया गया है वो अपन को एग्जैक्टली फॉलो करने का है, ठीक है। होमवर्क लिखो, स्टेट बोर्ड की बुक वन से, स्टेट बोर्ड की बुक वन से चैप्टर वन करना है आपको, जो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, आपको खुद के लिए करना चाहिए, आपको समझ में आएगा घड़ी के एंगल्स कैसे बढ़ते हैं, डोंट ट्राई टू आस्क मी, आई विल नॉट टेल यू, चैप्टर वन, ठीक है, बता दूंगा पूछोगे तो, ठीक है, चैप्टर वन, चैप्टर टू, सर आप वो बुक का पीडीएफ और एक बार डाल सकते क्या ग्रुप पे, मेरा यही काम है, बार बार डालते रहूंगा, हैं, एक बार डाल दो, किसी के पास होगा उसको रिक्वेस्ट करो, ठीक है, चलो डाल दूंगा। चैप्टर वन, चैप्टर टू, मैं इससे ज्यादा दूंगा तो मर जाओगे करते हो, कब कब है ये, कब अपने नेक्स्ट क्लास कब ही है, परसों ही है, टेबल नहीं दिया अभी तो, नहीं दे दिया, दे दिया होगा, देखना कब भी है क्लास, फ्राइडे को है, ओ चैप्टर वन टू थ्री, ठीक है, चैप्टर वन टू थ्री, ओके सर, हर चैप्टर में कितना एक्सरसाइज, काफी ज्यादा है, बट कर लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो जाएगी, करो ना, क्या दिक्कत है, एग्जाम चल रहे हैं क्या, हाँ सर, हाँ सर, शुरू होने वाले वेनेसडे से, सर चल रहा है, सर इस बार 70 मार्क्स का है, अब वो देखो 70 कर ले, 80 कर ले, 90 कर ले, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, ये सब मार्क्स वैलिड नहीं है, ये सारे मार्क्स कोई वैल्यू, मैं तो कहता हूँ ना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना कर पूछ लिया करो, हम लोग बता देंगे, तुमको गोल्डन चांस मिला है आईआईटी की प्रिपरेशन का घर बैठे हुए, मस्त यूज करो यार इसको, मस्त यूज करो, ठीक है, तो मैंने अपना होमवर्क दे दिया भाई, चैप्टर वन टू थ्री, ठीक है, और बाय द वे मैंने सीक्वेंस सीरीज का भी होमवर्क दिया था ना, वो बुक से दिया था, स्टेट बोर्ड में से था ना, हां सर, और बाय द वे ट्रिग्नोमेट्री का तो होमवर्क मैंने बहुत पहले ही कहा है, नैतिक बहुत पहले कहा था ना करने को, सर स्टेट बोर्ड बुक से शायद नहीं बोला था, बोला तो था रे, एपी वन में नहीं बोला था सर, मैंने किया है लेकिन पता नहीं आपने बोला कि नहीं, अब मैंने इससे स्टेट बोर्ड बुक से कौन कौन सा कहा था, चैप्टर थ्री में क्या क्या कहा था मैंने, 3.1, 3.2, सॉरी
चैप्टर टू में क्या क्या बोला था मैंने, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 भी बोला, 4 तक बोला, 2.4 तक बोला था, ठीक है, तो ऐड कर लो 2.5. सर और ये तीन चैप्टर भी, और नहीं तो क्या, और 2.6. सर 2 पॉइंट का मिसलेनियस, ठीक है, ज्यादा हो गया क्या सर, ये सब फ्राइडे तक कर ले. सुनो सुनो सुनो, रो मत, रोने मत बैठो, ठीक है. बुक वन का, ठीक है, बुक वन का चैप्टर थ्री कर लो, उसमें सब ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो जाएगी, ठीक है. और जो बुक टू का है ना, ये क्या चैप्टर का नंबर क्या है, इस चैप्टर का क्या नंबर है? अच्छा, बुक टू का भी चैप्टर टू ही है, ठीक है. चैप्टर टू जो है ना, ठीक है, बुक टू का चैप्टर टू कर लो, ठीक है. इतना तो कर सकते हैं ना अपन. यस सर. ठीक है, देखो ना, होमवर्क लिख दो ना यहाँ पे, देखो ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है. और जब चैप्टर कहता हूँ तो उसका मिसलेनियस फिसलेनियस सब सॉल्व करने का होता है, ठीक है. और प्रायोरिटी बता देता हूँ होमवर्क की, प्रायोरिटी ये है पहले बुक टू का चैप्टर टू. ट्रिग्नोमेट्री सबने वैसे भी काफी किया है कई बार, तो चैप्टर टू तो बुक टू का प्रायोरिटी है. और चैप्टर थ्री ट्राई करो करने का, जितना हो पाता है उतना करो, ठीक है. सर वो एक क्वेश्चन दिया था, वो भी बचा सर, कॉमन रूट वाला, पी बाई क्यू वाला, कौन सा वाला, कॉमन रूट वाला, फिफ्थ तो चल, ठीक है, मैंने इस क्लास में से भी बहुत डिस्कस करना है सर, मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है. चलो कोई ग्रुप पे होमवर्क डाल लो, ठीक है. यस सर.